गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों को बहुत देरी हो गया क्योंकि देर से उठूंगी बोल के उठ गए। और अभी कितना टाइम हुआ है सोच लीजिए, अभी बजा है 11। तो मैं उठ के ना देर के लिए कपड़ा वपड़ा ही पहन लिया क्योंकि मैं बताती हूँ आप लोगों को, कल फैंसी गए थे ना, उसके बाद ये ड्रेस बाहर ही था तो फिर मुझे लगा कि लूज ये अच्छा लगेगा तो फिर मैं यही ड्रेस पहन लेती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए कि कल से मैं ऐसे ही सोई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर में ही था बोल के ये ड्रेस ही पहन लिया। तो मैं अभी कहीं पे जा रही हूँ नाश्ता करके, और सिंपल सा ब्रेड बटर रास और रेड टी। बिकू जस्ट अभी उठे हैं, वो बाद में करेंगे, आके करेंगे, मतलब मुझे छोड़ के आएंगे उसके बाद करेंगे। मैं अभी नाश्ता करके जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत देरी हो गया, खाना भी बनाना है आके। तो बहुत दिन से मैं आप लोगों को बोल रही थी ना मेरा चूल खराब हो रहा है ये कुछ कुछ, तो फिर मैं जा रही हूँ पार्लर तो उसमें मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार नहा धो के रेडी होके चले जाए, उसके बाद वहाँ से आके खाना वाना बना लेंगे लंच। आज इसलिए कुछ नहीं किया और बस वही एक ही ड्रेस में कल भी आज भी, तो मेरा वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग अलग चेंज करके ड्रेस अब पहनो, जो पास में है जो निकला हुआ है और जो पार्लर में जाने से बहुत टाइम बैठना पड़ेगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज टाइप का कपड़ा पहन लिया। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फटाफट, बिकू तो उठे हैं जस्ट, वो पानी पियेंगे फिर फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद मुझे छोड़ देंगे, उसके बाद वो आके नाश्ता कर लेंगे। तो आज मैं ब्रेकफास्ट करके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम वहाँ पर बैठना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार मैं, क्योंकि लंच के टाइम में ही मैं आऊँगी और लंच के टाइम में आके थोड़ा बहुत कुछ सिंपल सा बना के खाना खा लेंगे। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा खा के जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बैठने से भूख लगेगा। अभी मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा ना अभी, हाँ, क्योंकि देखिए मैं अगर स्कूटर लेके जाऊंगी ना तो फिर आते टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, और जो मैं सीज कराने जा रही हूँ ना उसमें आपका बाल में कोई भी मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसलिए जाएगा। और सुनो ना, आप अपना ये खा लेना आज, हाँ, रेड बटर सेक वेक के, उसके बाद मैं लंच बना लूंगी आते टाइम, सब्जी है घर पे समझ रहे हो, फूलगोभी है ऐसे करके है, मैं बना लूंगी भात दाल सब्जी, फट से हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके ओके। और स्कूटर लेके जा रहे, ये मेरा हेलमेट और वो भी को, फट से हम लोग के घर के मतलब यहाँ से 10 मिनट में है, और दो दो हेलमेट। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि नाज गई है पार्लर, तो मैं अभी यहाँ पे मैंने कपड़ा डाल दिया, कपड़ा यहाँ पे धुल रहा है अपना, और मैं जा रहा हूँ राइस उठाने के लिए, जो मैं आज मैं शेयर करने वाला हूँ। और वो आपको मैं कहता हूँ ना, वो घर में, हर घर में, इंडिया के हर घर में वो रेसिपी, वो चीज़ बनती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरा मतलब बहुत से जेंट्स को ये बनाना नहीं आता है। मुझे आता है तो मैं सोचता हूँ मैं सिखाता हूँ उनको, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। राइस में डालना है पानी, और इसको राइस को अच्छे से ऐसे ऐसे करके मिलाना है, को दो तीन बार पानी से वॉश करना पड़ेगा, जब तक इसका ये सफेद सफेद पानी जो है ना वो बिल्कुल प्लेन पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी ना बन जाए। अभी देखिए इसमें से ये सफेद सा पानी जा रहा होगा, और ये ऐसे हाथ रखना नीचे, ऐसे हाथ रखना है ताकि राइस गिर ना जाए। बस फ्रेंड्स, मैंने लिया 150 ग्राम राइस, उसके साथ में मैं उसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कितना पानी ऐड, एक ग्लास पानी ऐड कर लें, और पानी ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिला लें, क्योंकि जो प्रेशर कुकर है ना उसके साइड में राइस चिपका हुआ है, उसको पानी को ऐसे ऐसे घोलना है आपको, मिलाना है, तब ये ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
थोड़ा बाल बाल भी ठीक करना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, इसको कुकर को ऐसे करके बंद करेंगे। अब कुकर बंद करना तो आती हो ऑब्वियसली, अभी भी क्या सिखाना है यार। ऐसे कुकर को देखिए, ऐसे कुकर नहीं घुसेगा, ऐसे ढक्कन तो घुसेगा ही नहीं कभी, जब जितना ट्राई कर लो। ढक्कन को घुसाने के लिए आपको ढक्कन को टेढ़ा करना है, ऐसे यूं 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 करना है। अब इसके अंदर यूं ऐसे करके आराम से लेके चला गया है ना, ऐसे जाते अंदर। स्पेशली जेंट्स मैं आप लोग को कह देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने प्रेशर कुकर को गैस में रख दिया, गैस ऑन कर दी मीडियम फ्लेम पे। अब जब तक इसमें दो सीटी नहीं मारेगा आपको खड़े रहना है, चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। दो सीटी मार दी फ्रेंड्स, ऑफ कर दिया गैस। ऑफ करके आपको उसको हिलाना नहीं है, फिर उसके बाद खड़े रहना है। उसमें जो अंदर स्टीम होती है ना, स्टीम से राइस को पकते रहने देते हैं, कम से कम 5 to 10 minutes आपको खोलना नहीं है। अब अपन को राइस ही बनाना ना आए तो इतने हजार आइटम हम रेसिपी बना के करें क्या, खाली चम्मच से तो खाएंगे नहीं उसको, राइस के साथ खाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि राइस बनाना सीखना सबसे इम्पोर्टेंट था कि नहीं सबके लिए। मैं बोलो डोंट टेक इट अदरवाइज, राइस बनाना सब जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं स्पेशली जेंट्स जिनको राइस बनाना तक नहीं आता है कि राइस को हम कैसे स्टीम करें, कैसे धोए, कैसे बनाए, कितना पानी उसमें डालें, है कि नहीं। तो वो सीखना ज्यादा जरूरी है। कभी वाइफ पार्लर चली जाए, ऑफिस चली जाए, भूख लग जाए, आप क्या करोगे? एटलीस्ट राइस बना के आप कुछ और सब्जी के साथ खा सकते हो, है कि नहीं, उतना तो आना चाहिए। तो राइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनाना। एक दिन आपको मैं रोटी बनाना भी सिखाऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर राइट बोला, अगर ये अच्छी रेसिपी थी और सच में इम्पोर्टेंट रेसिपी थी तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं आप लोग कि हाँ ये आपने सही सिखाया और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रेसिपी थी, तब मुझे खुशी होगी। शायद आप समझ रहे हो। Years later. और फाइनली मेरा हो गया, और अभी थोड़ा सा सिपकी हुआ है, लेकिन ये वॉश करने के बाद ना ये ठीक हो जाएगा। और मंडे आने दिया है मुझे वॉशिंग के लिए, एकदम मुझे पता था टाइम लग जाएगा। अभी 3:30 हो गया, मैं घर से निकली थी करीबन 11:45 को, मतलब कम 3 घंटा से ऊपर हो गया हम मेरा मतलब। इसी बीच मैंने ऑडियंस से रेसिपी भी शेयर की है, फॉर जेंट्स है क्या तो चलिए, भूख भी बहुत भूख लग रहा है, तो घर जाके खाना खा लेते हैं। खाना मतलब क्या खा लेते हैं, वो भैंस बनाया मैंने सिर्फ। क्या बनाया? भैंस खाना बनाना है तो रेसिपी मतलब वो बेसमेंट है। हाँ, जाके थोड़ा सा कर लेती हूँ फ्राइड राइस। आपने राइस ही उठा शायद ना, तो फिर मैं फ्राइड राइस बना दूंगी सिंपल से ही। बहुत भूख लग रही है लेकिन आज पता नहीं क्यों। ठीक है चलिए मिलते हैं। 3:30 हो गया। हाँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं गई थी हेयर स्ट्रेटनिंग कराने। बहुत साल के बाद मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग किया है, और क्या होता है हेयर स्ट्रेट अगर करेंगे ना आप लोग तो इतना कुछ और आपको बाल के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। कभी भी मतलब खोल के जाओ, एक क्लिप लगा के जाओ ऐसे करके। और मैंने लास्ट हेयर स्ट्रेट किया था आपका 2019 में, और ये 3 साल करीबन हो गया मैंने किया ही नहीं। इतना प्रॉब्लम हो रहा था, रफ हो गया मेरा बाल, एकदम ड्राई हो गया था। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि करेंगे बोल के, तो फाइनली आज मैंने कर लिया। और देखिए ना, पूरा दिन चला गया ऐसे करके। तो वहाँ पे जब देरी हो गया तो बिकू को मैंने बोला आप घर पे हो तो फिर राइस उठा दो, मैं जाके फ्राइड राइस बना दूंगी, फेस फ्राइड राइस। तो बस मैं थोड़ा सा गाजर फूल गोभी ऐसे है तो फेस फ्राइड राइस बना देती हूँ। राइस तो बन ही गया ऑलमोस्ट किया ख़त्म ही। और बहुत भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा देर 2 बजे खाना खा लेती हूँ, और मैं जान पूछ के आज ब्रेड खा के गई थी। और अब
भी देखिए ना, थोड़ा सिपकू सिपकू है बाल, जिस दिन मेरा वो हो जाएगा ना और एक 3 दिन के बाद वॉशिंग के लिए धुलाया है उस दिन के बाद ठीक हो जाएगा। तो फटाफट बना लेती हूँ मैं फ्राइड राइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्राई करना है। पार्लर जाना है हमको, पार्लर जाना है भाई, जाओ ना अभी, जो पार्लर किसने रोका है? नहीं मुझे स्ट्रेट नहीं करना, मुझे कर्ल करना है, कर्ल। बोंडू लगोगे? बोंडू कर्ल करने से उतना सा बाल लिखो। वैसे भी बाल मेरे उड़ रहे हैं बहुत, यहाँ से बाल उड़ रहे हैं मेरे। मतलब नहीं भैया बोला, अभी तो इस टाइम में तो बाल तो जाने का टाइम ही है, ये बहुत वो है ना ठंडा, और मतलब हवा बहुत चल रहा है ना, इसलिए बस वही। हम लोग क्या होता है ना, इतना बिजी शेड्यूल है हम लोगों का, मतलब सबका बोल रही हूँ, नॉट हम लोगों का, तो ये सब मेंटेन के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन ये गलत बात है, टाइम निकल के भी ये सब मेंटेन करना चाहिए। बात पैसे का नहीं है, और बात पैसे का भी है, वो बात नहीं है, लेकिन दोनों तरफ आप कितना हम लोग खर्चा कर देते हैं, लेकिन हम लोग अपने ऊपर कभी भी खर्चा करने के लिए सोचते हैं बार 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 बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राइस कैसे सुंदर बने, एक दाना एक दाना, आपको कहा था ना मैंने, आपने तो आज इतना महान काम कर दिया राइस करे। नहीं, मैंने अपने भाई लोग को कहा था कि इसको बनने के बाद, अभी हम लोगों का ब्लॉग भाई लोग देखते हैं कि नहीं वो भी तो देखेंगे ना, मैं इसको बनने के बाद इसको खोलना नहीं है, इसको रख देना है 5 to 10 minutes, तब क्या वो एक दाना राइस बनता है, तो खा के भी मजा आता है। ढक्कन में मैंने खोल के रख दिया ना, हाँ। खराब नहीं पाओगे तो नॉनस्टिक का कर रहे हैं, ये मस्त रेसिपी है दोस्तों, नॉनस्टिक वाला, इसको रेसिपी बोल सकते हैं क्या, स्टीम राइस को, क्यों नहीं रेसिपी, कोई भी कुकिंग करो रेसिपी बना होता है, वो रेसिपी बोल सकते हैं। चलो आपने आधा काम मेरा इजी कर दिया। यस, और बिकू हर बार अच्छे बच्चे की जैसा ना ऐसे जादू कर लेते हैं। यो दोस्तों, इस बार सैलरी बढ़ानी पड़ेगी मैडम आपको मेरी। अच्छा, मैं इस बार 5,000 में नहीं मानने वाली हूँ। आप उसे चावल भी बनवाते हो, सब कुछ करवाते हो, आप इधर हटिए। तो गाइस, उस हिसाब से तो मेरा सैलरी तो 50,000 से भी ऊपर होना चाहिए, है ना, हम लोगों का मतलब जो वाइफ लोग का सैलरी, उस हिसाब से तो 50,000 होना चाहिए। बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ, उनका राइस उतारने में और झाड़ू लगाने में अब तो 5,000 से काम नहीं चलता है, और आप सोचिए तो हम लोग कितना काम करते हैं, है कि नहीं, बोलो। Appreciated. आप करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये प्याज ना, मैं जो आपको बोलती हूँ ना बार बार, ये रेड कलर का प्याज ना एकदम जीना हराम करके रख देता है। मैं कह दूंगा प्याज अब से तुम येलो ही उगना, ना रेड उगना, ना रेड उगने मना करूंगा मैं उसको, येलो उगो, ब्लू उगो, तुम ब्लू उगो। ये देखिए ना, व्हाइट वाला जो प्याज होता है ना वो इतना मतलब आँख में नहीं पकड़ता है, लेकिन ये रेड वाला जो प्याज होता है ना इतना आँख में पकड़ता है। लेकिन रेड प्याज में ही टेम्पर होता है, वो व्हाइट प्याज एकदम वो कोई खाने लायक प्याज नहीं, उसमें टेम्पर नहीं है, प्याज का असली उसमें तुमको वो नहीं मिलेगा एरोमा। सही है, दूंगी यहाँ पे मैं बिकू का एकदम अभी हम लोगों का लंच ये पुलाव।
और ये बिकू कपड़ा धोए थे बोले। इवनिंग का चाय पीने के टाइम में हम लोगों ने लंच कर लिया। देखिए तो रात का खाना कैसे खा जाए, मतलब रात को क्या हो गया, इस टाइम में खाना खाने से ना रात को डिनर के टाइम में भूख नहीं लगता है, लेकिन लेकिन जब सो जाएंगे ना तब जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है, मतलब करीबन 12-1 बजे करीबन। तो कोई नहीं, बिकू बोला है कुछ लाएंगे खाने के लिए, पनीर वनीर कुछ बना देंगे और रोटी बना के रख देंगे, भूख लगने से खा लेंगे वो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी थोड़ा सा सिपकू सिपकू है बाल और होगा ही क्योंकि आज ही करके आई हूँ मैं। और ये देखिए बहुत सिपकू सिपकू है, देखिए ये सब बहुत सिपकू है। और ये देखिए, ये थोड़ा टाइम मैंने इसका क्लच लगाया तो फिर क्या हो गया, देखिए तो इसको नहीं लगाना है बोला है। और बस, और पीछे से मैं आप लोगों को लुक दिखाती हूँ, देखिए। और ये जो आपका हेयर है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे करके काटिंग कर दूंगी, हेयर कट थोड़ा सा करूंगी। तो बस मेरा ये हेयर का टेंशन भी खत्म। ओ अभी बिकू गए हैं थोड़ा काम से, उनका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी खाना खाए और बस चलती है। उनको थोड़ा सा काम है, वो काम करके रात को आ जाएंगे, तब मैं डिनर विनर बना लूंगी। तो इस ब्लॉग को गाइज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर एक नया ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी। और आज का ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा है ना, मैं क्या रिगो घर पे ही नहीं था तो फिर बाहर ही चली गई थी, तो मैं और क्या रिगा ना, इसलिए क्या ब्लॉग बनेगा मुझे पता नहीं। लेकिन चलिए कोई नहीं, मेरा एक काम हो गया और पूरा दिन चला गया। तो फिर एक नया, कल का एक नया ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, प्लीज़ 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 प्लीज़। बाय बाय, टाटा।